पोयम है डस्ट ऑफ स्नो और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोयम में ये बताया गया है कि नेचर की बनी हुई कोई भी चीज़ जो है वो नेगेटिव नहीं होती है। नेचर हम सभी ह्यूमन बींग्स को, वेजिटेशंस को, प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, इन सभी को नेचर ने ही बनाया है, तो इनके अंदर कोई ना कोई खामियां तो होती हैं, बट वो निगेटिविटी को इंडिकेट नहीं करती हैं। ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर हैं। हम सब चीज़ क्या करते हैं, जो भी चीज़ हमारी लायक नहीं होती हैं, हम सब उनको नकारात्मकता के भाव से देखते हैं। सो इस पोएम में ये पोएट ने बताया है, उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है, जनरली हमारी सोसाइटी में वो सॉरो और माइजरी, डेथ के सिंबल होते हैं, लेकिन इस पोएम में ये बताया गया है कि इन्होंने कैसे पोएट के मूड को चेंज कर दिया, उसका दिन जो है वो ख़राब होने से बच गया, ठीक है। तो मैंने इस पोएम की पूरी एक्सप्लेनेशंस अच्छे से वीडियो अपलोड की है, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। सो चलिए आज देखते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की फर्स्ट पोयम डस्ट एंड स्नो के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, हाउ डज द पोएट्स मूड चेंज। तो यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है और पोएट ने ये क्या कहा कि उसका मूड जो है वो कैसे चेंज हो गया और आपको यही बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। The dust of snow is the dust which has been created by a crow when it shook on an ice laden with snow. It has changed poet's mood. He become happy for the rest of a day. Generally, जब भी snowfall वाली area में जब भी बर्फ़ गिरती है तो जो plants होते हैं, जो tree होते हैं, उनके leaf के ऊपर गिर जाती है, ठीक है, तो उसी को छोटे छोटे जो fine particle होते हैं ice के, उन्हीं को dust of snow बोलते हैं, ठीक है, छोटे कण। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा पोएट है वो विजिट कर रहा था, किसी रास्ते से कहीं जा रहा था, तो अंडर हेमलॉक ट्री वो पहुँचा ही था कि हेमलॉक ट्री के ऊपर जो है ना एक क्रो बैठा हुआ था। तो वो हल्की सी मूवमेंट करता है और फिर उसी मूवमेंट के चक्कर में जो लीफ के ऊपर जो डस्ट होती है, किसकी, स्नो की, वो पोएट के ऊपर गिर जाती है और जो पोएट का मूड है वो चेंज हो जाता है और जिसके कारण उसका जो दिन है वो काफ़ी अच्छा जाता है, वो खुशी से वो दिन उसका बीत जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। तो जो हमारे कवि, जो हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने नेचर को कैसे इस पोएम में दिखाया हुआ है और हो सकता है कि जो गिवन क्वेश्चंस हैं नीचे उनकी हेल्प से आपको आंसर पता हो सके, आप सोच सकें। तो उसका, व्हाट आर द बर्ड्स दैट्स आर यूजली नेम इन द पोएम। Do you think crow is often mentioned in poem? What image come to your mind when you think of a crow? Generally, जो भी poet होते हैं वो अपनी poem में different birds लेते हैं, like cuckoo, nightingale, sparrow, mynah, ठीक है, parrot। तो लेकिन जो हमारे कवि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने जो है वो उन्होंने क्रो को ही क्यों लिया, और क्रो को देखते ही ना आपके मन में, आपके माइंड में कौन सी इमेज जो है क्रो के बारे में उभर कर आती है। तो इसका आंसर देखते हैं। Birds usually mentioned in the poem are nightingale, cuckoo, mynah, sparrow, etc. Crow is rarely mentioned in the poem. It reminds us it's a harsh voice and a black color. Generally, जो भी poet होते हैं वो अपनी poem में nightingale, cuckoo, mynah, sparrow, मतलब गौरैय जैसी birds का use करते हैं, लेकिन हमारे जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने जो है क्रो को मेंशन किया है इस पोएम में, और जो क्रो है वो उसकी जो हॉर्स वॉइस होती है, ठीक है, उसकी जो आवाज़ होती है वो, उसका जो ब्लैक कलर होता है, ये डेथ और शोर का सिंबल होता है, यही इमेज हमारे माइंड में आती है क्रो को देखकर। नेक्स्ट है, अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, व्हाई डज नॉट द पोएट राइट और अबाउट अ मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज मैपल और अ ओक और अ पाइन। तो अगेन
हेमलॉक ट्री की यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो हेमलॉक ट्री मतलब होता है धतूरे का पेड़। धतूरा जो होता है ना एक पॉइजनस ट्री होता है जिसे खाने से इंसान मर भी जाता है। इसके जो फ्रूट होते हैं वो पॉइजनस और जहरीले होते हैं। तो यहाँ पे जो पोएम है, जो हमारे पोएट हैं, वो बहुत सारे पेड़ों को लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल हेमलॉक ट्री को क्यों लिखा? तो यहाँ पे वो मैपल ट्री का यूज़ कर सकते थे, या ओक ट्री, या पाइन ट्री, ठीक है। ये सभी जो ट्री हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट्स के पेड़ हैं, इनको आप खा भी सकते हो। लेकिन जो हेमलॉक ट्री है उसके जो फ्रूट हैं वो काफ़ी पॉइजनस होते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि जो हमारे पोएट हैं उन्होंने ये पॉइजनस ट्री को क्यों लिया? तो आंसर देखते हैं। अ हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री। जो हेमलॉक ट्री है ये एक पॉइजनस ट्री है। इट इज़ नॉट वेरी ब्यूटीफुल, ये काफ़ी सुंदर नहीं होता है। बट द पोएट डज नॉट मैंशन एनी ट्री, लेकिन जो हमारे पोएट उन्होंने और कोई भी ट्री को मैंसन नहीं किया है। एक्चुअली ही डिड शो टू प्रजेंट हिज मूड एंड फीलिंग। एक्चुअली दरअसल जो पोएट हैं वो यहाँ पर अपने मूड और फीलिंग को बता रहे हैं कि कैसे हेमलॉक ट्री ने इनके मूड और फीलिंग को चेंज कर दिया। तो अकॉर्डिंग जो हमारा हेमलॉक ट्री है वो निगेटिव ट्री नहीं है, हाँ, लेकिन वो पॉइजनस है। हमारी पृथ्वी पर जितने फ्लोरा और फौना है, ह्यूमन बींग्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, उन सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। तो ऐसे ही कोई फ्रूट जो है स्वीट होते हैं, कोई पॉइजनस होते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो निगेटिविटी को शो करते हैं। नेक्स्ट है, What do the crow and hemlock represent joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand? तो यहाँ पे जो hemlock tree है, जो crow है, जो कौवा है, वो joy और sorrow मतलब खुशी या फिर दुख को किसको represent कर रहा है, ठीक है, क्या है यहाँ पे? What does the dust of snow that crow shakes off a hemlock tree stand? तो यहाँ पे dust of snow जो crow ने shake किया है hemlock tree के ऊपर से, ठीक है, वो क्या stand कर रहा है? तो यहाँ पर आंसर है, Here crow and hemlock tree represent joy. यहाँ पे जो हमारा crow है और hemlock tree है वो joy को represent कर रहा है। The dust of snow represent joy that nature shower. जैसे कि बारिश होती है, लोगों का मन खुश हो जाता है, ठीक है, बारिश को देखकर। तो वो एक नेचर जो है शॉवर है, मतलब जैसे कि हम सब नहाते हैं, शॉवर का यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। वैसे ही जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो रेन है, वो एक नेचर का शॉवर है जो हमको जॉय देती है, हैप्पीनेस देती है, हमारे मूड को चेंज कर देती है, हमें अच्छी फीलिंग देती है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।